आज हम दो स्टडी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैंने स्टडी प्लान है वो डिसऑर्गेनाइज ना, तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको लाइफ में 1% का रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि यार हाँ मैंने उस टाइम मेहनत नहीं करी। आज लिखवा लो, चेक कर लिखवा लो, अभी लिखवा के ले जाओ कि अगर आपने वो 3 पॉइंट फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं उन 3 टिप्स की, अगर आपने ये फॉलो नहीं किए तो स्टडी प्लान किसी काम का नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हो ए पढ़ले। आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए DEET+GPRT की तैयारी करते दौरान बेस्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट पक्का है। चाहे मैसेज आज लिखवा लो, चाहे कल लिखवा लो, अभी लिखवा के ले जाओ कि अगर आपने वो 3 पॉइंट्स फॉलो किए तो आपका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। काफी सारे बच्चे तैयारी करते हैं, दिक्कत क्या होती है कि जो उनका स्टडी प्लान होता है वो अस्त व्यस्त होता है, डिसऑर्गेनाइज होता है। जो उनका प्लान होता है ना वो बहुत ही अस्त व्यस्त इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पहली बात उनको ये नहीं पता होता कि हमें आज पढ़ना क्या है। अगर मेरी हिंदी स्ट्रांग है और मैं आज भी अभी भी हिंदी को 2 घंटे दे रहा हूं तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, तो स्टडी प्लान हमें यही पता करने में मदद करता है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर इंडिविजुअल नीड्स। आज हम 2 स्टडी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। पहला स्टडी प्लान वो हमने बनाया है 6 आवर्स के अकॉर्डिंग, जो हाउसवाइफ्स या फिर ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो जॉब में लगे हुए केवी में, किसी भी बाकी टीचिंग जॉब में, फिर और कोई जॉब कर रहे हैं, जिनके पास पूरे दिन में पढ़ने के लिए 6 घंटे होते हैं, तो पहला प्लान हमने उनके अकॉर्डिंग बनाया जो कि 6 आवर्स का है। सेकंड जो हमने स्टडी प्लान बनाया है वो बनाया स्टूडेंट्स के लिए जिनका पूरे दिन का काम ही पढ़ने का है उनके लिए। देखो, अगर आपका स्कोर 130 से ऊपर बन रहा है भी PYQs में, तो आप 6 आवर्स का स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आपका स्कोर 130 से नीचे बन रहा है तो आपको 8 आवर्स का स्टडी प्लान ही फॉलो करना है। अब हम आते हैं 6 आवर्स के स्टडी प्लान की। देखो, इसको ध्यान से सुनना, क्या इसकी ब्रेकेज है, कैसे कैसे आपको अपने सब्जेक्ट्स को बांटना है। जो 6 आवर्स का स्टडी प्लान है ये बेसिकली 2 दिन में है, लाइक 1 दिन और 2 दिन जब भी कंप्लीट स्टडी प्लान बनता है, और जो 8 आवर्स का वो 1 दिन में कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, जो ये 6 आवर्स का 2 दिन का स्टडी प्लान है वो ऐसा कुछ कहता है कि क्योंकि पेडागोजी हमारे 50% ऑफ द सिलेबस है, तो हमें पेडागोजी रोज 2 से 3 घंटे पढ़नी है। उस 6 घंटे में से हमें 2 से 3 घंटे पैडागोजी सेक्शन पे लगाने ही लगाने, चाहे उसमें क्लास ले रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद हमें 2 घंटे किस पे लगाने हैं, अपने ऐसे सब्जेक्ट पे जो हमारा वीक है। मैं इसमें जो रेफरेंस लेके चल रहा हूँ मैथ का, मैंने मान लिया कि मेरा भाई मैथ कमजोर है, तो मैं क्या करूंगा, शुरू के 2 से 3 घंटे पढ़ूंगा मैं पैडागोजी, फिर मैं उठाऊंगा मैथ्स, मैथ्स में भी मैं 2 से 2.5 घंटे लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुल मिला के ये कि आपको 5 घंटे मिले हैं पेडागोजी और मैथ्स को सुलटाने के लिए 1 दिन में। उसके बाद बचता है आपके पास 1 घंटा। देखो, हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, तो हिंदी आप ऑल्टरनेट डेज पे करो 1/2 आवर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज 1/2 आवर हिंदी कर ली, तो मुझे कल करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा आज 1/2 आवर और कल का 1 घंटा बच जाएगा 6 घंटे में से। तो इस आज के 1/2 आवर में मैं कर सकता हूँ रीजनिंग कर सकता हूँ, या फिर इस 1/2 आवर में कर सकता हूँ इंग्लिश की प्रैक्टिस। तो अगले दिन का 1 आवर बचेगा, उसमें मैं इंग्लिश कर सकता हूँ या फिर रीजनिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि अगर मैं आज 1/2 आवर हिंदी पढ़ रहा हूँ तो जो 1/2 आवर मेरे बच गया इसमें रीजनिंग करूँ इंग्लिश करूँ, और मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप इंग्लिश करो, और जो अगले दिन का 1 घंटा बचा उसमें भी आप इंग्लिश करो। ठीक है, और रीजनिंग के आपको बस डेली 1/2 घंटा निकालना, बस देखो 6 आवर से थोड़ा सा एक्सटेंड करके 1/2 आवर निकाल सकते हो आप। उसमें आपको डेली PYQ की प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की, उससे आपकी रीजनिंग टिप टॉप हो जाएगी। अगर कोई लेवल मेंटेन है 18-19 मार्क्स का तो वो मेंटेन रहेगा, जिसकी कम है वो उसी लेवल पर आ जाएगी, समझ गए। तो ये 6 आवर्स का स्टडी प्लान था, आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग टाइम देना। जहां तक मुझे लगता है आप में से काफी बच्चों का मैथ ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाया होगा, वो ऐसे ही ठीक हुआ, स्टडी प्लान लेके चलो साथ में। अब हम आते हैं 8 आवर्स का स्टडी प्लान। देखो, 8 आवर्स के स्टडी प्लान में क्या है, 2 से 3 घंटे आप पेडागोजी पढ़ सकते हो। मैं इसको 2 से 3 घंटे इसलिए लेके चल रहा हूं, इसको मैं रिजिड नहीं बना रहा हूं, ये आपके लिए फ्लेक्सिबल है, आपके लिए ही फायदेमंद है, और
आपको भी थोड़ा सा स्टडी प्लान फ्लेक्सिबल लेके चलना है। ऐसा ना हो कि भाई मैं 3 घंटे पेडागोजी का टाइम सेट किया है तो बस तीन घंटे होते ही मैं बंद कर दूंगा। नहीं भाई, थोड़ा सा अगर नीड लग रही है कि मैं थोड़ा सा और पढ़ सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ लो। तो इसलिए अपने स्टडी प्लान को फ्लेक्सिबल बना के रखो, समझ गए। तो इस जो 8 आवर वाला स्टडी प्लान है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 से 3 घंटे पेडागोजी पढ़नी है, पढ़ लोगे। 2 से 3 घंटे आपको मैथ पढ़नी होगी, मेरा मैथ कमजोर है तो मैं मैथ पढ़ूंगा, ठीक है। 2 से 3 घंटे होगी आपकी पेडागोजी, 2 से 3 घंटे मैथ, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे हमारे यहाँ हो गए खत्म। 3-3 घंटे अगर मैं मांग चला, तो अब बचते हमारे पास 2 घंटे। इस 2 घंटे में हमें क्या करना है, हाफ एन आवर में हिंदी कंप्लीट कर लूंगा। हाफ एन आवर मोर देन इनफ है हिंदी के लिए, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता है। अब बचता है 1.5 घंटा, जो हाफ एन आवर बच गया उसमें करो रीजनिंग की डेली पी वाई क्यू की प्रैक्टिस, डेली 20 क्वेश्चन लगाओ टाइम सेट करके 20 मिनट का, अगर कर सको तो 15 मिनट का टाइम सेट करके लगाओ, ठीक है। तो उस आधे घंटे में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आराम से कर लोगे, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, बात क्लियर। और जो 1 घंटा बच गया उसमें आप करो इंग्लिश, और वो 1 घंटा इंग्लिश के लिए मोर देन इनफ है। आज हमने कुल मिला के 2 स्टडी प्लान के बारे में बात करी, जो कि 1 6 आवर्स का है, जो कि 2 फेज में चलेगा, 1 दिन और दूसरा दिन, और जो 8 आवर्स का वो खुद में एक कंप्लीट प्लान है जो आप कर सकते हो 1 दिन में कंप्लीट। अब आप में से काफी ऐसे बोलेंगे कि भाई आपने जीएस का तो बताया नहीं। देखो जीएस का मैंने शायद अल्टीमेट स्ट्रेटजी टू स्कोर 150 प्लस वाले जब स्कोर में बात करी थी, जो वीडियो बनाई थी उसमें बात करी थी कि भाई अगर आपके जीएस में 5-6 नंबर बन रहे तो रुक जाओ, भी अपने मेन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है। और जीएस का ऐसा कुछ है कि किसी दिन आपका करते करते मन भर जाए, या फिर आप सोच आप पेडागोजी लेके बैठे और आपके 2 घंटे में खत्म हो गए, या फिर आप मैथ लेके बैठे 2 घंटे में जो टॉपिक करें वो कंप्लीट हो गया, तो जो भी हाफ एन आवर 10 मिनट 15-20 मिनट बची, आधा घंटा बचा, 1 घंटा बचा, वो दे दो जीएस को उस टाइम पे जब टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, क्योंकि जीएस की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर आप मैं मान के चलूं कि मैं 12 घंटे भी रोज पढ़ा जीएस, तो ये भी मैं आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं 20 में से 20 ले आऊंगा, ठीक है। तो जितना आपके पास टाइम बचे एक्स्ट्रा, वही आप बस जीएस को अलॉट करो, एक्स्ट्रा टाइम जीएस को मत दो। अब हम बात करते हैं उन 3 टिप्स की, अगर आपने ये फॉलो नहीं किए तो स्टडी प्लान किसी काम का नहीं है। पहला है कंसिस्टेंसी। ऐसा हुआ कि आज मैं 6 घंटे पढ़ लिया, कल मैं 2 घंटे पढ़ा, फिर मैं 1 घंटे पढ़ा, परसों भाई की शादी आ गई, फिर 4 घंटे पढ़ा, फिर 5 घंटे पढ़ा, अगले दिन मैं कहीं घूमने निकल गया, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, समझ रहे हो। कंसिस्टेंट रहना आपको अपनी तैयारी, मगर आपने 6 घंटे का स्टडी शेड्यूल बना लिया तो भाई 6 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, इसके बाद कुछ काम आया, कुछ काम पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, इसके बाद देखूंगा। तो इस 6 घंटे को आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कंसिस्टेंसी कैसी आएगी, जब आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, विजन है, वो पूरा का पूरा 100% क्लियर हो। तो अपने गोल को क्लियर बनाओ कि भाई अगर मेरे पास ये जॉब नहीं हुई तो मेरे को फ्यूचर में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये जॉब हुई तो मैं इस जॉब में कितने मजे ले सकता हूं, मेरी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है, अपना गोल क्लियर करो। सेकंड पॉइंट है मॉक टेस्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं पढ़ते जाऊं फिर पढ़ती जाऊं और मेरा क्लियर हो जाएगा, भाई नहीं, जितना जरूरी आपका पढ़ना है उतना ही जरूरी आपका मॉक टेस्ट देना भी है। जो मैंने आपको स्टडी प्लान बताया वो आपको सिर्फ हफ्ते के 6 दिन ही अप्लाई करना है, जो हफ्ते का 1 दिन बचा उसमें आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और वो बहुत जरूरी है, वो आपको इनपुट्स प्रोवाइड करेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो रिलायबल सोर्स है, जो मैं पढ़ चुकी उसकी असेसमेंट लेगा आपकी कि भाई चैप्टर पढ़ लिया और अभी भी चैप्टर के सवाल गलत हो रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है, उसको फिर से दोहराओ। और थर्ड है रिवीजन। आपको हर 7वें दिन रिवीजन करके चलना है, और अगर जस्ट जो कल पढ़ा था वो उसका रिवीजन आज कर पाओ स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में तो बहुत ही बढ़िया, समझ गए। तो आपको जो स्टडी प्लान अप्लाई करना है वो 6 दिन अप्लाई करना है, और जो 1 दिन बचा उसमें आपको रिविजन्स प्लस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और ये तीनों पॉइंट इतने जरूरी आप सोच नहीं सकते। काफी सारे हम में से बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई
बाद में कर लेंगे, अभी सिलेबस पूरा नहीं हो, बाद में कर लेंगे। बाद में क्या होता है, सिलेबस पूरा भी हो गया, अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बैठे तो फिर लगता है सिलेबस टाइम लगा, पूरा भी किया और जहां से पढ़ रहे थे वो रिलायबल सोर्स भी नहीं था, अब मॉक टेस्ट को क्या कर ले, अब नंबर इसमें नहीं बन रहे, तो वो तैयारी आपकी वेस्ट चली गई, समझ रहे हो। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे आपको पता लगेगा कि भाई जहां से मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो सही में रिलायबल सोर्स है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको चेंज मारो भाई। देखो जो भी हम स्टडी प्लान यूज में ला रहे हैं या फिर जो भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको अपने ऊपर एक बर्डन बना के मत पढ़ो, अपनी तैयारी बहुत ही खुश होकर करो, अपने लॉन्ग टर्म गोल को, अपने विजन को सोचते हुए करो कि भाई जो आज मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे कल काम आएगी, जिस दिन रिजल्ट में नाम होगा ना उस दिन ही पढ़ाई सारी वर्थिट होगी, तो खुश होकर पढ़ो, क्योंकि सिर्फ ये एक ही टेस्ट नहीं है, आपको एक लाइफ का टेस्ट भी पास करना है ना। और ये जितना भी आप स्ट्रगल कर रहे हो आपकी मेमोरीज में जुड़ता जा रहा है, और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी मेमोरीज बेकार हो, आपको लाइफ में 1% का रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि यार हाँ मैंने उस टाइम मेहनत नहीं करी, और अगर इसकी तैयारी खुश होकर करोगे तो यार ये तो हम मिलकर कर ही लेंगे पास, ये कोई बड़ी चीज थोड़ी है, हर चीज के लिए मैं अवेलेबल हूँ, पार्ट टाइम कोई दिक्कत आ रही है मैसेज करो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट बी में कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए मैसेज करो, ओवरऑल कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए मैसेज करो, इसलिए आप खुद अभी 10-15 मिनट बैठकर सोचो कि कौन सा स्टडी प्लान आपके सूट करता है और आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसको आप अप्लाई करो, एक रफ एक फ्लेक्सिबल स्टडी प्लान आप तैयार करो खुद के लिए और फिर लग जाओ तैयारी में। आप जरा कमेंट करके ये बता दीजिए कौन कौन सी थ्योरीज, कौन कौन से टॉपिक्स वो आप करना चाहते हो, फिर आपको कंफ्यूजन आ रही है, वो हम करेंगे बहुत ही फुल डिटेल में डिस्कस पी वाई क्यू का रेफरेंस रखते हुए, और तैयारी कर देंगे जबरदस्त। और भाई मेरे को मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पार्ट बी आती है, तो सारी चीजें आती है, आप कोई भी टॉपिक लिख दो नीचे, समझ गए, टॉपिक भी इस लेवल के आते हैं, चिंता मत करो, सारी चीज के लिए मैं अवेलेबल हूँ, अश्विनी सर हैं और भी आपके एजुकेटर सर सपोर्ट में, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी तैयारी करो जम के। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।